हेलो स्टूडेंट, दिस आयडीशा दीमान, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम 9th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं और काफी बार पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल से या कोई भी सॉरी मॉलिक्यूल नहीं कोई भी एलिमेंट है, कोई भी अगर एलिमेंट है उसकी जो ऊपर डिजिट लिखी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ओके, एंड ये नीचे वाली डिजिट क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कार्बन, कार्बन कितना होता है 6 N12, तो जो 6 है ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, एंड 12 क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि क्या जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के, क्योंकि जो नीचे ये एटॉमिक नंबर लिखा होता है यही क्या होता है, उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डिनोट करता है, और किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वही उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड वही उसके प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, और एटॉमिक मास, एक फॉर्मूला और है हमारा एटॉमिक मास को निकालने के लिए, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये दो चीजें आपको डिटेल में याद रखनी है। ठीक है, ये अभी जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें बार बार आएंगी, क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमें क्या पता है, अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है और प्रोटॉन पता है तो हम उससे उसके न्यूट्रॉन्स को भी काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए बताते हैं कैसे हम एटॉमिक मास से न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं, या हमें किसी भी एलिमेंट के अगर न्यूट्रॉन पता है और प्रोटॉन पता है तो हम उससे उसका एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला था कि कार्बन है, कार्बन में 12 क्या है, एटॉमिक मास है, एंड 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे ये बताइए, और प्रोटॉन कितने होंगे ये भी बताइए, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी बताइए। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, सॉरी प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, है ना, ये तो पता है हमें, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें प्रोटॉन्स भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। तो हम कैसे लिख देंगे आंसर में, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 6, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था क्या, एटॉमिक मास, अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना दिया गया है कार्बन का, 12। प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं, अभी हमने निकाले हैं 6, एंड न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12, 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 गए कितना बचेगा, 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए इसके, 6 आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब हमें किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लीजिए कि हमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्बन 6, मतलब कार्बन का जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और कार्बन में न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं 6 हैं। अब इसमें हमसे पूछ लेगा क्या क्या बताइए, प्रोटॉन कितने होंगे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बताइए, और एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास भी हमें बताइए। तो वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लेंगे, किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के, तो प्रोटॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे 6, एंड इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे 6।
अब हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, न्यूट्रॉन हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिए हुए हैं, 6 तो कितना, 6 और 6 12, तो एटॉमिक मास कितना निकल जाएगा, 12, ठीक है। इस टाइप से हम एटॉमिक मास को भी निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखने की है, ये वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या आ जाता है, किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि 6C12, मतलब कार्बन का जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो 6 है और एटॉमिक मास क्या है वो 12 है, ठीक है। लेकिन क्या दे देते हैं कि C6 है और इस पे दो पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है, टू पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताइए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा ये वाली बात तो हम पढ़ चुके हैं कि जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसका क्या मतलब होता है कि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं, और अगर माइनस चार्ज हो तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और नेगेटिव चार्ज लगा हो तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। अब इसमें दो पॉजिटिव, टू पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब क्या था, इसके पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, अब इसने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 6 - 2, दो किसी को दे दिए हैं क्योंकि टू पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, 4, तो उसमें से हम आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 4 आंसर, ठीक है। अब मान लो यही है कार्बन 1 माइनस, ठीक है, 6। अब इसमें पूछ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पहले तो लिखेंगे कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7 आंसर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, अब 7। इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो इनको अच्छे से समझना, अच्छे से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 10, 12, 11 सभी में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन से बस थोड़ा सा हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, क्या याद रखना है कि क्या होता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एंड प्रोटॉन्स के, ठीक है, और जो एटॉमिक मास है उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हुए हैं और नेगेटिव चार्ज लगा हो तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से समझना और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करके देखना, थोड़ी सी और कराएंगे आगे की वीडियो में, ओके।